किसी और बुत के आगे, किसी इंसान के आगे झुक नहीं सकते खुदा की हैसियत में वर्शिप के एतबार से, तो उन्हें मौत के घाट भी उतारा जाता इस वजह से अगर कोई उनमें से काबू आ जाता। तो इन सात क्रिश्चियों को खत जो है वो लिखा गया। ये पोर्शन जो हम देख रहे हैं आयत चार और पांचवें आयत का आधा हिस्सा, कहां तक तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। पांचवें आयत का हिस्सा जहां पे खत्म होता है फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे वहां तक, इस पोर्शन में अगर आप देखें तो आपको होली ट्रिनिटी जो है वो नजर आए। पाक तसरीस इब्तदा में आपको यहां पे नजर आएगी। पहली बात आप लिखेंगे खुदा बाप, और यहां पे हमने पढ़ा है चौथी आयत में, उसकी तरफ से जो है जो था और जो आने वाला है। ये बात जो है ये यीशु के लिए नहीं बल्कि खुदा बाप के लिए लिखी गई है कि वो जो था वो जो है और वो जो आने वाला है। और आने वाला से मुराद ये नहीं है कि जो आएगा, इससे मुराद ये है वो जो अब तक रहेगा। आने वाला से मुराद क्या है, वो जो अब तक रहेगा। सो इसको जब हम पढ़ते हैं जो था जो है और जो आने वाला है, इससे मुराद ये है कि जो अबदी माजी से लेके अजली मुस्तकबिल तक रहेगा। जी, इसका क्या मतलब है कि वो जो अजली माजी इटर्नल पास्ट से लेके इटर्नल फ्यूचर तक अबदी मुस्तकबिल तक रहेगा, उसके बारे में यह बात की जा रही है। नंबर दो, खुदा पाखरू। और यहां पे लिखा सात रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है, ये खुदा पाखरू को प्रेजेंट करती है। सात का आदत मैंने बताया, ये किसका आदत है, परफेक्शन का, कामलियत का आदत है। और यहां पे सात का अदद जो है ये पर्सनैलिटी की एडिशन की बात नहीं है, सात शख्सियतों की बात नहीं है, शख्स एक ही है, शख्सियत एक ही है, खुदा का रूहुल कुद्स। ये उसकी पर्सनैलिटी के साथ पोर्शन नहीं है बल्कि उसके साथ करैक्टरिस्टिक्स की बात है, क्योंकि सात कामलियत का अदद है। तो उसकी सात वस्प जो है, करैक्टरिस्टिक्स जो है, ये उनकी बात है साथ। और अगर आप सात रूहों के बारे में मजीद देखना चाहें तो यसाया नबी का सहीफा उसका 11 बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत पढ़ सकते हैं। बाज़ मुफस्सरीन जो है वो ये समझते हैं कि सात रूहों से मुराद सात फरिश्ते हैं, और इन सातों फरिश्तों का जिक्र जो है वो बाइबल में, जो कैथलिक बाइबल है हनूक की किताब उसका 20वां बाब और उसकी पहली 8 आयात में सात फरिश्तों का जिक्र किया गया है। सात का अदद जो मुकाशफा में है ये 54 दफा, 54 टाइम्स जो है सात का अदद मुकाशफा की किताब में इस्तेमाल किया गया है। और सात रूहों से मुराद ये है कि खुदा बसीर है, खुदा हर जगह देखता है। इसके बाद आप लिखेंगे आयत 5 हाफ जो उसका पोर्शन हम
चौथी आयत के साथ देख रहे हैं। यहां पे तीसरी बात आप लिखेंगे अल मसीह या खुदावन यस्सु अल मसीह। खुदा यस्सु के लिए यहां पे तीन जमानों की बात की गई है, तीन पोर्शंस में उसको बयान किया गया है। आयत पांच में क्या लिखा है, और यस्सु मसीह की तरफ से पहली बात आप लिखेंगे ए सेक्शन इसका, तीसरी बात हमने देखी तस्वीर का तीसरा क्रम यस्सु मसीह इसका ए पार्ट। इसके भी तीन पार्ट है यस्सु और मसीह के लिए जो यहां पे मुकाशवा में लिखे गए हैं। इसका पार्ट ए सच्चा हुआ, हम पहले खुदा बाप को देखा, फिर खुदा रूह कुद्दस को देखा है, और अब खुदावन यस्सु अल मसीह नंबर तीन। और नंबर तीन में खुदा यस्सु के लिए यहां पे तीन चीजें बयान की गई हैं, उनको हम देखने लगे हैं। तो आप लिखेंगे ए पोर्शन उसका सच्चा गवाह, ट्रू विटनेस देने वाला, या और खुदा यीशु मसीह का ये जो पोर्शन जिसके लिए मुकाशवा में दिया गया कि वो सच्चा गवाह है, ये उसका जमीनी वस्त्र उस जमाने का जिक्र करता है जब खुदावन यीशु और मसीह जो है वो जमीन के ऊपर आए, और जमीन के ऊपर आके उन्होंने लंगड़ों को टांगे दी, अंधों को आंखें दी, टुंडों को बाजू दिए, मुर्दों को जिंदा किया, और कोड़ियों को पाक साफ किया, और इन सब कुछ में उन्होंने गवाही दी कि वो बाप की तरफ से आया है, और जो कुछ वो करता है वो बाप की रहनुमाई से करता है, और उसने इस सब में बाप का जलाल जाहिर किया। सो बाप का जलाल जो है खुदा यीशु मसीह जो है वो जाहिर करते रहे इस जमीन पर, और इस बात की गवाही दी, और बाप की फरमा बरदारी में उन्होंने कहां तक गए, मौत द्वारा की, और कहां तक, सलीबी मौत, एक लानती मौत जो हमारी थी, खुद खुदा यीशु ने उसको बर्दाश्त किया, उसको गवारा किया ताकि मैं और आप बच जाए। और यीशु मसीह की ये जमीनी खिदमत जो है ये मूसा की मसील है, मूसा की तरह का एक नबी आएगा, ये नबूवत थी, पेशन गोई थी, फोरकास्ट थी। पुराने अहदनामे में अगर आप पढ़ना चाहें अस्तिश्ना की किताब फैमते मुसबुकन, मूसा की पांचवी किताब उसका 18वां बाब चैप्टर 18 वर्स 15 में लिखा है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। मूसा की पांचवी किताब 18वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, खुदावन तेरा खुदा तेरे दरमियान, तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बरपा करेगा, तुम उसकी सुनना। ये प्रोफेसी जो की गई वो खुदा यीशु मसीह ने उनको पूरा किया कि वो जमीन पे आए, और आके उन्होंने खिदमत की, मूसा की तरह हलीम थे, जैसे मूसा ने बनी इसराइल को मिस्र से निजात दी, उसने हमें गुनाहों से अबदी निजात बख्शी, हमारे दरियाए यर्दनों को और बहरे कुलजमों को उसने चीर डाला, और फिरौन की कैद दबलीस की कैद से हमें आजाद किया। जी मूसा की पांचवी किताब अस्तिस्ना डिटरमिनेंट चैप्टर 18 वर्स 15 के ये खुदावन यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के लिए मूसा के वसीला से एक फोरकास्ट पेशनगोई प्रोफेटिक मैसेज दिया गया था, उसकी फुलफिलमेंट है, और ये बताता है कि यीशु बहसियत नबी माजी में पहले जब वो जमीन पे आए वो मौजूद रहे।
हम क्या देख रहे हैं, इसका हेडिंग क्या है इस बातचीत का जो हम देख रहे हैं? शाबाश, सच्चा गवाह। बी पोर्शन इसका, मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, या आप लिख सकते हैं जी उठने वालों में पहलौठा, या मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहलौठा। पहलौठे से मुराद पहले पैदा होने वाला नहीं है, बल्कि पहले जी उठने वाला। यहां पे पलौठे से मुराद पहले पैदा होने वाला नहीं, बल्कि पहले जी उठने वाला। पहले जी उठने वाला इससे मुराद है। और खुदावन्द यीशु मसीह वो वाहिद शख्सियत इस पूरी जमीन पे हुए हैं जो मर गया और अपनी कुदरत, निकाली जी उठा नहीं, जो मर गया और अपनी कुदरत से जी उठा। जी उठने वाले लोग पहले भी मौजूद थे, खुदा यीशु मसीह के जमाने में खुद खुदावंद ने बहुत से मुर्दों को जिंदा किया। पुराने अहदनामे में आप ऐसे वाकयात पढ़ते हैं जहां पे मुर्दों को जिंदा किया गया, लेकिन जितने मुर्दे खुदा यीशु मसीह से पहले जी उठे हैं वो किसी की दुआ के वसीले से जिंदा हुए और उसके बाद फिर दोबारा मर गए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? मैं ये बता रहा हूं मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठे कमानी और मतलब क्या है। पहले भी मुर्दे जिंदा हुए हैं लेकिन वो किसी के वसीले, किसी की दुआ शफा के वसीले जिंदा हुए और उसके बाद फिर मर गए, लेकिन खुदावन्द यीशु मसीह वो जी उठने वाला है जो अपनी कुदरत से खुद जी उठा। उसने कहा कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे वापस ले लूं, और वो जी उठा अपनी कुदरत से और उसके बाद अब्दुल अबाद फॉर एवर एंड एवर जिंदा है और फिर मौत उस पर गालिब आने वाली नहीं, इसलिए वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है। और याद रखना है कि यहां पे लफ्ज पहलौठा इस्तेमाल किया गया है, जी उठने वालों में से पहलौठा, इकलौता नहीं। पहलौठे में और इकलौते में फर्क है। इकलौते का मतलब है अगर मैं कहता हूं कि मेरा इकलौता बच्चा है तो इसके मानी ये है कि मेरा और कोई बच्चा नहीं। अगर मैं कहता हूं पैट्रिशिया मेरी इकलौती बेटी है तो इसका मतलब है मेरी और कोई बेटी नहीं है। अगर कोई कहता है कि मेरा इकलौता बच्चा है तो इसका मतलब है और कोई बच्चा नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरा यह पहलौठा बच्चा है तो इसका मतलब है इसके बाद बच्चे मौजूद हैं। तो जब खुदा यीशु के लिए कहा गया कि वो जी उठने वालों में पहलौठा है तो इसके मानी यह है कि इसके बाद और होंगे जो जी उठेंगे ऐसे ही जैसे यीशु जी उठा है। और ये उम्मीद और ये ईमान कलीसिया को दिया गया ताकि वो ये जाने कि हम भी यीशु मसीह की मानद जी उठेंगे मुर्दों में से और फिर अब्दुल अबाद जैसे वो जिंदा है हम भी जिंदा रहेंगे। सो बी पोर्शन आप देख रहे हैं कि जी उठने वालों में पहलौठा। लिहाजा ये पहला हमने जो पोर्शन देखा है सच्चा गवाह, वो उसकी जमीनी खिदमत के बारे में था कि वो जमीन पे आया और आके उसने खिदमत की। और दूसरा पोर्शन जो है हम देख रहे हैं इसमें वो अपनी कुदरत से जी उठा, अब्दुल अबाद जिंदा है और जी उठने वालों में पहलौठा ठहरा ताकि बाकी इकलीसिया जाने, ईमानदार जाने के वो भी उसकी तरह जी उठेंगे। काहे के लिए? ताकि अब्दुल अबाद जिंदा रहे और ये उसकी आसमानी खिदमत के लिए जो अब वो कर रहा है। पहली सच्चा गवाह माजी की खिदमत के लिए जो उसने जमीन पे की पास्ट, और ये उसका प्रेजेंट है खुदा यीशु मसीह का कि वो अब अब्दुल अबाद जिंदा है और कहां पे बैठ गया, खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठ गया ताकि मेरी और आपकी शफाअत करे, इंटरसेशन की खिदमत को अंजाम दे। पढ़ना चाहे तो लिखिए रोमियो का खत उसका आठवां बाब और उसकी 34वीं, रोमियो
का ब्रेव लेटर ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 34 हेब्रियो लेटर ऑफ हेब्रियो चैप्टर 7 वर्स 25-27 इसमें आप देख सकते हैं जी हेब्रियो चैप्टर 7 वर्स 25-27 कि यीशु मसीह जो है वो आसमान पे सदा कायम की खिदमत अंजाम दे रहा है 26वीं आयत अगर सिर्फ आप पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी अब्राहमियों के खत के 7वें बाब की 25वीं आयत सो पहले हमने देखा उसका माजी सच्चा हुआ जमीन पे आया खिदमत की नबूवत की गई कि मेरी मानद एक नबी बरपा होगा उसकी सुनना और दूसरी बात हमने देखी उसका प्रेजेंट जी उठने वालों में पहला उठा सरदार काहिन अभी जो वो खिदमत अंजाम दे रहा है एंड सी तीसरा पोर्शन इसका दुनिया के बादशाहों पर हाकिम दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है खुदावन यीशु मसीह के मुस्तकबिल की खिदमत को प्रेजेंट करता है कि जब खुदावन यीशु मसीह जमीन पे आएंगे और 1000 साल के लिए जमीन पर बादशाही करेंगे बाकायदा ये वाक्या रूनमा होगा बाकायदा जैसे दूसरे बादशाह आते हैं मिलेनियम जी सी दुनिया के बादशाहों पर हाकिम द किंग्स ऑफ किंग द किंग ऑफ किंग्स बादशाहों का बादशाह या बादशाहों पर हाकिम ये उसकी फ्यूचर की खिदमत को प्रेजेंट करता है कि कैसे वो आएगा और 1000 साल तक जमीन पर सब बादशाहों पर बादशाही करेगा सो हमने खुदा यीशु मसीह के माजी की खिदमत को